हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेबसाइट फीवर के एक और एपिसोड में। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एरोस नाउ की लेटेस्ट शॉर्ट फिल्म अनकही की। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस मूवी का जो है हम रिव्यू करते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास देखने को मिला है हमें इस शॉर्ट मूवी के अंदर, और क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। सारा कुछ डिटेल मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो डिस्प्ले पर दी गई आईडी पर जाकर के आप मुझे इंस्टेंट फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं आप सभी को नई मूवी और वेब सीरीज का डाउनलोडिंग लिंक जो है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई नई मूवी या फिर वेब सीरीज का डाउनलोडिंग लिंक चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम और मैसेज कर सकते हैं। मैं कुछ ही देर में उस मूवी या वेब सीरीज का डाउनलोडिंग लिंक आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फटाफट से बिना वीडियो को लंबा किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की। दोस्तों, ये बेसिकली एक क्राइम थ्रिलर जॉनर की मूवी है, जिसके अंदर अगर बात करें हम इस फिल्म की स्टार कास्ट की, तो इसमें आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे हितिन तेजवानी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे शहबान आजिम, अनुप्रिया गोंडके और साथ ही साथ आयुष्मान सक्सेना जैसे बेहतरीन एक्टर्स आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं। और इस पूरी फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुश्री मेहता ने। अगर करें इसकी स्टोरी की, तो दोस्तों इसकी स्टोरी बेस्ड है दिल्ली में, जहां पर कि बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से 11 लड़कियों की जो होती है बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाती है। और उस मर्डर होने के बाद जो है कुछ 6 सस्पेक्ट्स को जो है पुलिस अपने पास उसे अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जो है उसे इंट्रोगेट करती है एक बंद कमरे में, उन 6 सस्पेक्ट को बंद कर देती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग आपस में ही डिसाइड कर लो कि कौन किसने इन 11 लड़कियों का जो है बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर किया है। अब यही कुछ आपको इसमें देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से इसमें से कौन सा वो शख्स है जो 11 लड़कियों का जो मर्डर किया है। यही कुछ आपको इसके अंदर इसी तरह की स्टोरी देखने को मिलती है। और दोस्तों बता दूं, इसके अंदर जो इसमें जो मिस्ट्री जो क्रिएट की गई है वो बहुत ही लाजवाब हमें इसमें देखने को मिलती है, और इसकी जो थ्रिल जो डेवलप की गई है वो भी काफ़ी बेहतरीन डेवलप की गई है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इस फिल्म को जरूर से जरूर देखें एरोस नाउ पे। और ये जो फिल्म है ये एक शॉर्ट फिल्म है, जो कि एकदम 41 मिनट की एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, जो आप कुछ ही देर में इसे निपटा सकते हो। दोस्तों, तो यही थी एक छोटी सी रिव्यू, आपको कैसी लगी। फिलहाल आज लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।